महीने में वो दिए रहेंगे। जो काम कम समय है उसको थोड़ा वो जल पाई सकते ना, तो मतलब मैं ये आपसे विनती है भाई, कोई हमारी यार को दिन रात आते रहे और सालों होती है आपके साथ रहेंगे। कभी बंदे से गलती भी हो जाती है, कभी थोड़ा मुझसे भी बोलिए आदमी, पर आदमी को मेरे नेचर को बचाना चाहिए भी ये पक्के ही काम करता है कि ये फिर एक्चुअली नहीं बोले करता कि भाई बाई चांस पूरा काम कई बार हालात ऐसे होते हैं आदमी को ऐसे स्ट्रेस में आ जाता है कि ना कुछ बंदा बोल जाता है ना, पर भैया विचार देते हैं थोड़ा सा ये हमारे मेरा एरिया थोड़ा सा होता है और उसे अलग से दिखे इसके लिए आपसे बच्चों में सुधार हो बस जानते ना खड़े बंदे का कई बार प्लान भी करना था फिर उसमें बच्चे भी यार रुको बच्चे आपको एक एक बच्चे है आपके साथ भी अपने हो जाएगी तो आप नहीं बच रहे तो फिर अपने प्लान से और चीज़ से क्या लेंगे। प्रधान जी जिस प्रकार से आज पंचमुखी में एक न्यू सेशन लॉ के बारे में जो है आपको अवगत कराया गया है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी जानकारी आप मीडिया ब्रीफ में भी दें। नमस्कार जी, आज पंचमुखी थाना द्वारा SHO आदमी श्री नंदलाल जी द्वारा यहाँ पे कार्यशाला रखी गई थी जिसमें जो स्थानीय मुद्दों को लेकर ट्रायल जो है वो पंचायत स्तर पर उसके समक्ष किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग पूरी तरह से जानकारी दी गई कि कैसे उन मुद्दों पर हमने आगे कार्रवाई करनी है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी जानकारी रही जिससे जो है वो क्रिमिनल मैनुअल जो भी नया कानून बना है जिसमें BNS VNSS जो भी संबंधित मुद्दे रहेंगे और ऑनलाइन और साइबर क्राइम के जो मुद्दे रहेंगे तो उनको हम लोगों के प्रति कैसे जागरूक करें वो भी एक विशेष तौर पर एक विषय रहा, और इसी के संबंधित जैसे बाहर देशों के जो लोग हैं जो यहाँ पर आकर रह रहे हैं तो उनको भी कैसे हम पंजीकृत करवाएं स्थानीय पंचायतों के द्वारा और पुलिस थाना द्वारा, वो भी लोगों को जागरूक करने के लिए एक अहम विषय रहता है कि जो भी अपने मकान किराए पर देते हैं तो संबंधित जो व्यक्ति हैं जो किराए मकान किराए पर लेते हैं वो पुलिस थाना में वो पंजीकृत उनको करवाएं। ऐसे सीधे शब्दों में बात की जाए तो जो भी बाहरी राज्यों से यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं उनका पंजीकृत होना अति अनिवार्य है। जी बिल्कुल जी। नमस्कार, क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रधान जी, जिस प्रकार से आज पंचरुखी में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था नंदलाल SHO थाना प्रभारी पंचरुखी की तरफ से और बहुत सारे प्रधान आए थे और आप भी एक महिला प्रधान है और आप भी यहां पर आई है, तो किस बारे में ये मीटिंग रखी गई थी थोड़ी सी जानकारी मैं चाहता हूँ आप मीडिया ब्रीफ में दें। नमस्कार, मेरा नाम सुमिता है, मैं ग्राम पंचायत दियोगना से प्रधान हूँ। आज पंचरुखी थाना में जो SHO सर ने एक अवेयरनेस कैंप रखा वो बहुत ही एक सराहनीय कदम है। उसमें SHO सर ने हमें पंचायती राज एक्ट के बारे में और जो साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसके बारे में अवगत करवाया जो कि एक बहुत ही सराहनीय है। जी, मेरा नाम अनीता कुमारी है, मैं ग्राम पंचायत लदो की प्रधान हूँ। आज हमें यहाँ पे SHO श्री नंदा शर्मा जी ने बुलाया था, इन्होंने एक वर्कशॉप रखी हुई थी जिसमें हमें इन्होंने जो पंचायती राज या जो कानून और बने हुए हैं उसके बारे में अवगत करवाया और बताया कि जो भी यहाँ पे बाहर के राज्य से लोग आते हैं उनके आपने आधार कार्ड और जो एंट्री करवाते हैं पुलिस थाने में वो सारी देखनी है, उसके बाद ही उन्हें जो अपनी पंचायतों में आपने आने देना है। और बहुत ही हर साइबर क्राइम के बारे में भी इन्होंने जो भी पंचायत के प्रधान आए थे उन सबको अवगत करवाया। धन्यवाद।